की सोच में एकता और गर्व नहीं आए हुए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनौती को स्वीकार किया था और आज बिहार की नहीं संपूर्ण भारत में भारतीय समस्याओं को निकाल दिया गया है। हम लोगों को फिर जनता के पास जाना चाहिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। मैं उनकी ओर से यह कहने आया हूं कि आपने जो उनमें भरोसा और उनकी सरकार पर भरोसा जताया 2014 में और 2019 में, आपने यह भरोसा जताया कि उनकी सरकार ईमानदार सरकार होगी, मजबूत सरकार होगी और देश को सर्वोपरि रखेगी, देश के लिए काम करेगी। मैं आपको यह बताने आया हूं बहुत गर्व के साथ कि हम लोगों की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, ईमानदार सरकार है। उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। 7 साल हो गए, एक थप्पा नहीं है, एक दाग नहीं है, कोई उंगली उठा नहीं सकता। हम लोग देश को सबसे आगे रखते हैं, देश हित को सर्वोपरि रखते हैं, उसके साथ हम समझौता नहीं करते। हमारी पार्टी ही इसके लिए है, हमारी पार्टी के लिए देश सर्वोपरि है। हमारी पार्टी किसी परिवार की पार्टी नहीं है, राजद त्रिपुरा लालू यादव के परिवार की पार्टी नहीं है, या ममता जी या तृणमूल कांग्रेस की तरह ममता जी की पार्टी नहीं है, किसी की संपत्ति नहीं है। हमारी पार्टी देश के लिए है और देश की पार्टी है, किसी जात की पार्टी नहीं है, इसमें सब जात के लोग हैं। हमारी पार्टी मजबूत पार्टी है और हमारी सरकार मजबूत सरकार है, मजबूत निर्णय लेती है, चाहे वो 370 हटाना हुआ, चाहे नागरिकता संशोधन कानून लाना हुआ, चाहे वो ये राम मंदिर बनाने की बात हो, कोई बात हो, या हमारे दुश्मनों को जवाब देने की बात हो, हमारी पार्टी मजबूत पार्टी है। इसी पार्टी की अटल बिहारी वाजपेयी ने न्यूक्लियर बम्प छोड़ा था और यही पार्टी है जो कि 370 हटाया, 3 तलाक हटाया। यही पार्टी है जो कि देश हित में काम करती है, उसको राजनीति नहीं करती। और ये पार्टी है जो कि विकास काम करती है, जैसा विकास काम ये करती है वैसा विकास काम आज तक कोई नहीं किया। आजादी के 67 साल बाद भी हजारों गांव बिना बिजली के थे या नहीं थे? 2014 में हजारों गांव बिना बिजली के थे और जो गांव में बिजली था भी वो रहता था, उसके अब भूख से चला जाता था, 2 घंटा रहत रहे अपरवाह ना रहे। हम लोगों ने बदल दिया, जितना बिजली का जरूरत था उससे ज्यादा उत्पादन क्षमता स्थापित कर दिया और अब ये हालत सब जगह व्यवस्था को सुधार किया। 2,02,000 करोड़ का हमने योजना बनाया, राज्यों को पैसा दिया सबस्टेशन बनाने के लिए, ट्रांसफॉर्मर खरीदने के लिए, तार बदलने के लिए और ये कहानी ये हर घर तक बिजली का कनेक्शन देने के लिए हम लोगों ने हर एक घर को बिजली का कनेक्शन दे दिया। 2,82,00,000 घरों को हमने मुफ्त कनेक्शन दिया, 2,82,00,000 घरों, कोई घर छोड़ा नहीं। और राजू कहा कि कोई घर अगर छूटता है तो फिर से बताइए, फिर से करेंगे। और पहले
जो 10 घर का 12 घर का गांव में बिजली रहता था आज 22 घर का रहता है और शहर में 23.5 घर का रहता है। बदल दिया हम लोगों ने, रोड का स्वरूप बना रहे हैं, बदल रहे हैं, जगह जगह फोर लेन बना रहे हैं, हर जगह फोर लेन बना रहे हैं, एकदम बिल्कुल पूरा कायाकल्प बदल रहा है। हमारे यहाँ हम लोग की जो सरकार है नरेंद्र मोदी की सरकार, उनको विकास करती भी है और गरीबों के लिए दर्द है। हर गरीब परिवार को हम पक्का मकान दे रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। हर गरीब परिवार को हम लोग ने हर परिवार को गैस का कनेक्शन दिया, 8 करोड़ गैस का कनेक्शन दिया। हर घर में हम नल लगा रहे हैं, 4.5 करोड़ घरों में देश भर में हम नल लगाए, अभी और नल लगा जा रहे हैं। हर घर को बिजली का कनेक्शन दिया ही। हर गरीब परिवार को आयुष्मान कार्ड 5 लाख का बीमा, ये हम लोगों ने, हम लोग का मकसद है कि कोई गरीब छूटे नहीं। कोरोना आया, प्रवासी मजदूर का काम रुक गया, उनको मुफ्त अनाज दिवाली पर मिलता है कि नहीं? मुफ्त अनाज मिला, मिला, मिलना है, और नहीं मिलना है तो शिकायत कीजिए। और कोई गरीब को अगर प्रधानमंत्री आवास नहीं मिलता है तो शिकायत कीजिए। भ्रष्टाचार नहीं सहना है, अधिकार है आपका, भारत सरकार ये अधिकार दे रही है, ये अधिकार है, और जितने जनप्रतिनिधि है आपका अधिकार दिलाने के लिए मैं यही कहने आया हूँ कि आपके भरोसे पर हम खड़े हैं, और जो आपने अपेक्षा की थी नरेंद्र मोदी की सरकार से, उस अपेक्षा पर खड़ा है सरकार, मजबूती से खड़ा है, देश को मजबूत बना रहा है। अपने हमारे दुश्मनों को बता दिया कि तुम हमारी तरफ आंख उठा करके देखोगे तो हम वापस जवाब देंगे तुमको, और करारा प्रहार करेंगे, घर घुस के प्रहार करेंगे, 2-2 बार किया, अब आतंकवादी हमले गए। हम लोग यहाँ पर पहले 2 संविधान, 2 झंडे, जम्मू कश्मीर का अलग झंडा, जम्मू कश्मीर का अलग संविधान, सब बदल दिया हमने, कहा नहीं साहब देश एक है, एक संविधान एक झंडा है, 2-2.5 फीट ऊपर से पानी गिरता है और सीधे वो सोरा नदी में आता है, तो उसमें सोरा नदी में डैम बांध दिया जाए, तो हम समझते हैं कि एक डैम बना दिया जाए तो उसे वहाँ बिजली भी पैदा हो सकता है, पर्याप्त मात्रा पानी गिरता है, पर्याप्त दोनों पूरा कैमूर जिले के पटवन हो सकता है। हम समझते हैं कि कैमूर जिला के तमाम किसानों को और बिजली को उत्पादन भी हो सकता है। माननीय सांसद महोदय ने जो निवेदन किया है, माननीय सांसद महोदय से मेरा अनुरोध है कि वो बिहार सरकार से यह प्रस्ताव भिजवा दे, और बिहार सरकार से प्रस्ताव आएगा तो वो उस योजना को हम निर्माण करवा देंगे। बिहार सरकार का प्रस्ताव आना चाहिए, हम भी बिहार सरकार से बात कर लेंगे, माननीय सांसद भी मुख्यमंत्री से बात कर लेंगे, प्रस्ताव भारत सरकार को यानी कि हमको भिजवा दे, प्रस्ताव आ जाएगा मैं बनवा दूंगा। ऐसे ही बिहार सरकार को प्रस्ताव भेजे।